ओके सो मेरा नाम प्रेरणा शर्मा भाटिया है और अभी एक कविता बोली थी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो ये पुकार है उन सभी महिलाओं के लिए जिनके लिए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है। बहुत मुबारकी हो गई, बहुत मुबारकबाद हो गई इस बिल के लिए और रियली थैंक यू है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके लिए काम किया। डॉक्टर नौरा शेख उनमें से एक हस्ती हैं जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करी। पर अब मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बिल का क्या फ़ायदा है, क्या एक्चुअली इस बिल ने कमाल किया है। इस बिल ने कमाल किया है मेरी जैसी फीमेल को घर की दरों दीवार को साथ ला कर आज ये हिम्मत करना कि मैं इस पॉलिटिकल प्रोग्राम में बैठी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक आम फीमेल हूँ, आम आदमी नहीं कह सकती क्योंकि वो एक पार्टी है। मैं वो आम आदमी से भी पहले वाला आम आदमी हूँ जिसको ये हिम्मत मिली है इस बिल से कि वो अपने सी आई हैव बीन अ टीचर फॉर अ वाइल, आई हैव बीन अ इमेज कंसल्टेंट फॉर अ वाइल, आई हैव बीन अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर अ वाइल, आई हैव बीन अ विनर ऑफ मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस फॉर अ वाइल, बट आई हैव बीन अ फुल फ्लेज मदर एंड अ फुल फ्लेज हाउस कीपर एंड अ फुल फ्लेज वाइफ। सो नौरा जी अभी बात कर रही थी करके कि उन फीमेल्स का जिन्होंने सारी लाइफ अपने बेसिक लेवल पर काम किया। मैंने बहुत एनजीओस के साथ भी काम किया है पर सबसे पहले मेरी कमिटमेंट्स मेरे घर मेरे बच्चे रहे, पर ये सब कमिटमेंट्स पूरे करते करते मैंने हमेशा ख्याल रखा करके कि जब भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे इस जन समाज को वापस करना है। जब भी हम पॉलिटिक्स की बात सुनो ना, हम जैसे बड़ा होते हैं, जैसे मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ, एक बड़ा होते हैं आपको हमेशा कहते हैं पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ना, पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं होती। पर जब भी आप पर्सनल डेवलपमेंट के रास्ते पर होते हैं तो ये रास्ता आपको खुद ही ढूंढ लेता है, आप इसका पीछा करते करते नहीं जाते। आज मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं जितना मर्जी इससे नज़रें बचाऊँ ये मेरा पीछा करते करते खुद ही पहुँच रहा है। जब से ये बिल पास हुआ है इसने मुझे हिम्मत दी है कि सोचा जा रहा है उन वेमेन के लिए जिनमें कैपेसिटी है, जिनमें पोटेंशियल है, कुछ करना चाहती हैं। अब जब वो अपने समाज के अपने एक दायरे के अंदर रहकर इतना कुछ कर सकती हैं तो उनको मौका मिलेगा तो क्यों ना वो देश की सेवा करेंगी। और ये एक आश्वासन भी है, ये पहले आश्वासन है कि हम आपके लिए सोच रहे हैं, हम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां हम तैयार हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाओ। तो मेरी जैसी फीमेल जिसने घर पर हमेशा ये सुना पॉलिटिशियंस लोग पॉलिटिक्स से दूर, आज डॉक्टर नौरा शेख की हिम्मत की वजह से, उनके काम की वजह से और जिन मिनिस्टर्स ने भी इसके लिए काम किया है उनकी वजह से आज मैं भी अपने घर से बाहर निकली और मैं भी फुल फ्लेज अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ इस आश्वासन के साथ कि ये जो कहते हैं ना प्यार करना आसान है पर निभाना मुश्किल है, आपने बिल पास कर दिया बट ये आश्वासन भी देना होगा कि आप मेरे जैसी फीमेल जिनको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ जो अपने घर पर यू नो अपनी कमिटमेंट्स करती रही, अपने प्रोफेशन को छोटा मोटा देखती रही बट अपने परिवार को पहले रखा, आप उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि वो अपनी कमिटमेंट्स भी पूरा कर पाएंगी और देश की सेवा भी कर पाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।